आज हमारे यहाँ कॉलेज में G20 को लेकर के विभिन्न कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, और ये जो कार्यक्रम है ये नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के छात्र छात्राओं के द्वारा जो है इस कार्यक्रम को जो है आयोजित किया गया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसमें जो छात्र छात्राएँ प्रतिभाग कर रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है, एक बहुत सुंदर प्रयास जो है इन छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया है, और इसको देख करके लगता है कि छात्र छात्राओं के अंतर्गत जो स्किल है और जो कौशल विकास है, वो कौशल विकास जो है लगातार इससे इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा, और एक संदेश जो है पूरे देश में जाएगा कि किस तरह से हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं वो इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अपने मन के विचारों को, उद्गारों को व्यक्त कर रहे हैं, और उनको जो है एक उद्यमिता के रूप में भी आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत अधिक आशीर्वाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को संपादित किया। आप देख पा रहे होंगे कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो है ये प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। इसको यदि आप देखें कि बहुत बढ़िया जो ये प्रोजेक्ट्स जो है ये बनाया गया है, और ये इस छात्रा के द्वारा अकेले बनाया गया है, जिसका नाम जो है अपराजिता है। तो इस छात्रा के द्वारा इसको बनाया गया है, तो आप देखिएगा कि ये बताएगी कि इसके बारे में किस तरह के विकल्प को लेकर के वो चल रही हैं नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। तो मैं पुनः सभी छात्र छात्राओं को बहुत बधाई देना चाहता हूं, और इससे प्राध्यापक मंडल को, अपने IQAC को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपादित किया। धन्यवाद।